किसी ने क्या खूब लिखा है कि जन्म होना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोग आपको याद रखें ये आपको कर्मों की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगल डांगी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मंगल डांगी। आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एक डॉक्टर साहब बड़े दौड़ते हुए आते हैं, जितना वो दौड़ सकते थे उससे भी ज़्यादा दौड़ते हुए आते हैं। सीधा वो जाना चाहते हैं जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होता है, उस लॉबी में जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर के बाद कुछ लोग, चार पांच लोग जो इकट्ठा हो जाते हैं और डॉक्टर साहब को रोक लेते हैं और बड़ा ही सुनाने लग जाते हैं कि क्या घमंड है तुम्हें, खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठे हो, इतना लेट आ रहे हो, हमारा बच्चा मर जाएगा तो क्या करेंगे, तुम्हें अक्ल नहीं है, अगर इतना ही था तो हॉस्पिटल ही क्यों खोला, बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं बिना कुछ सोचे। डॉक्टर साहब कहते हैं देखिए मुझे काम है और मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर साहब बिना कुछ सोचे, बिना रिएक्ट किए सीधा ऑपरेशन वार्ड में चले जाते हैं। एक से डेढ़ घंटे का ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर साहब जब बाहर आते हैं, फिर से वही लोग पूछने लग जाते हैं छुट्टी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, हमारा बच्चा ठीक तो होगा नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं आपका बच्चा ठीक है और जल्दी रिकवर करेगा, लेकिन फिर भी लोग उसे सुनाने लगते हैं कि आप जल्दी नहीं आते तो हमारे बच्चे का क्या होता, अगर नहीं चला सकते हॉस्पिटल तो क्यों इतना खोल के बैठे हो, ये करके बैठे हो, वो करके बैठे हो, हज़ारों बातें करने लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए और आपको जो कुछ भी पूछना है जो नर्स है उससे पूछ लीजिएगा, वो सब बता देगी आपको। जैसे ही डॉक्टर साहब जाते हैं उधर से नर्स आती है और चार पांच लोग जो फैमिली के थे, परिवार के थे, वो नर्स से पूछते हैं नर्स इधर आइए बताइए। तो नर्स जो है आते ही सीधे बच्चे के बारे में बताने लग जाती है कि आपका बच्चा अब ठीक होने है। तो लोग जो वो सारे जितने भी थे सब बोलते हैं कि पहले बच्चे का छोड़िए मुझे बताइए, डॉक्टर क्या पागल तो नहीं है या फिर ज़्यादा ही घमंड है इसके, ज़्यादा अगर घमंडी है तो क्यों हॉस्पिटल खोल रखा है इसने, हमारा बच्चा अगर मर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता तो क्या हम पागल हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल ले थे लेकिन हम तुम्हारे यहाँ पे आए तो क्या हम पागल हैं। तो नर्स कहती है देखिए ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, नर्स बड़ी इमोशनल हो जाती है, रोने जैसी हो जाती हैं और कहती है देखिए डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है, वो बहुत ही सीधे और सरल हैं, बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर साहब, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, डॉक्टर साहब को भला बुरा बोलते हैं। तब नर्स जो है उन सबको बोलती है कि देखिए डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हैं, आज ही सुबह डॉक्टर साहब का जो लड़का एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया है और उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऑपरेशन का काम था तो हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया और डॉक्टर साहब ने बिना कुछ सोचे आपके यहाँ पर आए और बच्चे का ऑपरेशन किया। तभी सभी लोग जो है शॉक हो जाते हैं और अभी वो दौड़ के इसलिए गए हैं कि शाम होने वाली है और बच्चे का जो है अंतिम संस्कार करना है। ये छोटी सी कहानियाँ हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है, सिखा के इसलिए जाती है कि हम बिना कुछ सोचे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, बिना स्थिति देखे, बिना परिस्थिति देखे, सिचुएशन क्या है किसी आदमी की, बिना कुछ सोचे उसे भला बुरा बोल देते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं, कितना ही कुछ कह देते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, पहला समझना तो चाहिए ना क्या है आखिर में, रियलिटी क्या है। दोस्तों ये बात आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, आपको क्या विचार है, क्या सोचते हो आप ज़रूर बताना, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कभी या आपने किसी के साथ में ऐसा किया है तो ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि यहाँ पर हम इंटरव्यू भी लाते हैं और रियल लाइफ स्टोरी भी आपके बीच में लाते रहते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त की है, स्ट्रगल से भरी दुनिया से निकल कर सफलता प्राप्त की, को मिलाते हैं फेस टू फेस और उनका इंटरव्यू लेते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो हमारा ज्ञानवर्धक वाला चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।